हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पवन शास्त्री और एक बार फिर से सुरसरिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार का जो भजन है बहुत ही प्यारा सा भजन है। कृष्ण जन्म के ऊपर इस भजन को गाया जाता है, बजाया जाता है, जन्मोत्सव में मनाया जाता है। और ये भजन आप हमेशा गा सकते हैं, कभी भी गा सकते हैं, क्योंकि इस भजन में बहुत सारी चीज़ें हैं। कृष्ण जन्म भी इसी भजन में है, राम जन्म भी इसी भजन में है। और इस भजन में एक और भी बहुत ही खास बात है, इसमें एक समय दिया गया है 12 बजे का। तो 12 बजे में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उसके बारे में भी ये भजन है। तो बहुत ही खूबसूरत सा भजन है। हम इसको लेकर के चलने वाले हैं अपने थर्ड ब्लैक से, तीसरी काली से। ये होने वाला है स्केल हमारा, तो ये होगा सा। मंद्र सप्तक में लगेगा एक कोमल नी, फिर सा रे गा मा पा धा और नी। तो यहां तक हम जाने वाले हैं, ठीक। देखिए, इधर हमारा शुद्ध नी लग रहा है, इधर हमारा कोमल नी लग रहा है। तो कोमल नी और शुद्ध नी दोनों लग रहे हैं, यानी ये हो गया आपका थाट खमाज। तो थाट खमाज पर आधारित है, बहुत ही खूबसूरत सा। चलिए स्टार्ट करते हैं और चलने वाला है हमारा गा से, देखें क्या है। प्यारा प्यारा समा है, ठीक 12 बजे। तो ये स्थाई है ना, यहां से ये भजन स्टार्ट होता है। फिर आगे देखिए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहले इसको देखते हैं क्या है। प्यारा है ना, गा गधा या रा क्या नजारा, क्या क्या, तो पूरा हमारा धा पे है क्या, और नजारा में न जा रा। तो धा धनी धा प मा है ना, न जा रा, ठीक ठीक। तो हमारा माँ पे ही रहेगा, ठीक बा रा है ना, बा रा क्या है, देखें ठीक 12 बजे, बजे में बजे मगर सा बजे। फिर आगे प्यारा प्यारा प्यारा, पूरा गापे प्यारा, और दूसरा प्यारा प्यारा, दूसरा प्यारा चला हमारा गाप मग प्यारा नजारा नजारा गरे सनी नजारा। और ठीक फिर हमारा कोमल नी पे, इधर हमारा माँ पे था, ठीक ठीक 12 बजे, ठीक नीनी 12 बजे, 12 में लगा नी गा 12 नी गा रे, और बजे सापे बजे सा सा। ये लाइन हो गई कंप्लीट है ना। तो स्थाई हमारी यहां पे कंप्लीट होती है और इसके बाद हम चालू करते हैं अपने अंतरे को। और ये जो पूरा भजन है, इस पूरे भजन की पूरी लिरिक्स, इस भजन की एक एक अंतरे इस भजन के आपको मिलने वाले हैं, और एक एक अंतरों के हिंदी लिखित नोटेशंस भी आपको मिलेंगे हमारे वेबसाइट www.sursartatechno.com पर। आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा, गूगल में जाकर के टाइप कर देंगे, इंटर कर देंगे तो हमारे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। गूगल में जाकर सुरसरता टेक्नो भी लिखेंगे और इंटर करेंगे तो पहली वेबसाइट जो हमारी आती है उस पर इंटर करके आप वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा तो वहां से भी आप पहुंच सकते हैं। पूरा ये मिलने वाला है, पूरा भजन, और पूरे भजन के हिंदी लिखित नोटेशन मिलने वाले हैं।
चलिए अंतरे की बारी आती है, अंतरा देख लेते हैं क्या है। अंतरा भी हमारा गा से ही चलेगा। सिया सुकुमारी बोली सुनो त्रिपुरारी। तो पहले इतना देखते हैं क्या। सिया सुकुमारी तो गा गा सिया हो गया। सिया सुकुमारी सुकुमारी में पापा माँ। सिया सुकुमारी बोली है ना, तो बोली में क्या लगा। बोली यानी पागा बोली पापागा बोली पापागा हो गया क्या। सिया सुकुमारी बोली फिर सुनो त्रिपुरारी सुनो गागा त्रिपुरारी। तो त्रिपुरारी में आया पापा मामा त्रिपुरारी है ना। फिर कहो अमर कथा। कहो अमर कथा प्यारी कहो कहो में लगा गरे कहो अमर अमर में रेगा अमर कथा प्यारी। कथा प्यारी में फिर वही पापा मामा। कथा प्यारी अभिराम है। अभिराम है अभी हो गया गारे राम है गा गा। एक बार आराम से इसको देख लेते हैं क्या है। देखिए सिया गा पे हो गया सुकुमारी है ना पापा मामा। सुकुमारी बोली बोली में पापा गा। फिर सुनो त्रिपुरारी कहो अमर कथा प्यारी अभिराम है। और सेकेंड लाइन अंतरे की सेम ऐसे ही प्ले होगी। प्ले कर देते हैं देखिए कैसे। ये नोटेशन पे क्या है। आलस की मारी सोई है ना। ठीक सेम वही नोटेशन। शैलजा बिचारी तोता भरे हंकारी अविराम है। और फिर इसके बाद अंतरे को जोड़ने वाली जो लाइन है उस पे पहुंचेंगे कैसे। यही अविराम है से ही हम जाएंगे। देखें अविराम है हो है ना, यानी हम धा पे चले जाएंगे। गा से धा पे चले गए। अब यहां से स्थाई की लाइन को जोड़ने वाली लाइन आती है। खोला ज्ञान पिटारा ठीक 12 बजे प्यारा प्यारा समय ठीक 12 बजे। तो बाकी के अंतरे सेम ऐसे ही प्ले होने वाले हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।